मम्मी ससुराल से ठीक हो। लो मम्मी। अच्छा क्या लेकर आई इसमें? चिज्जी बाहर से तो पता लग गया होगा अपने आपको इसमें क्या है। क्या मैं तो सबको पता साड़ी सब मेरी साड़ी लावे। अच्छा लेकिन मम्मी लखनऊ कितना पहन रहे थे इसे। हाँ आप लखनऊ भी तो पहनोगी नहीं। अच्छा ये लखनऊ से ही है ना। कैसी है? बढ़िया है। जो कोई जावे सब मेरी साड़ी इसकी इसकी पसंद की है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। हम लोग पहुंच गए हैं अजमेर। एक्चुअली अजमेर पहुंचे हुए हमें 3 दिन हो गए हैं। मैं अपने ससुराल में थी और अब मैं आई हूँ अपने घर। और जो हमारा उदयपुर में काम था घर ढूंढने का सबसे बड़ा काम, वो कंप्लीट हो गया है। तो हमारा काफ़ी टाइम चला गया उसमें, लेकिन फाइनली हमें बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा सा घर मिल गया। हमारा जो सामान था वो भी हम लोगों ने वहाँ पर अनलोड करा लिया है। और ये कुछ गिफ्ट्स हैं, कुछ कपड़े हैं जो मैं लेकर आई थी लखनऊ से अपनी फैमिली के लिए। मम्मी के लिए मैंने एक साड़ी ली जिसका क्लोज व्यू मैं लेना भूल गई हूँ, एक मैंने शॉट नहीं निकाला उसका। बहुत ही प्यारी सी ग्रे और गोल्डन कलर में साड़ी है जो कि लखनवी बिल्कुल भी नहीं है। मम्मी को किसी भी तरह का थ्रेड वर्क पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए अलग साड़ी ली है जो लखनवी वर्क में नहीं है। और ये कुछ कुर्ते लिए हैं हमने मनी शुभम और प्रशांत के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे। मम्मी ने बनाए हैं प्रशांत के लिए पटवे के पराठे, दही अचार और मक्खन के साथ जिसे सर्व किया है। और मेरे लिए बने हैं मूली के पराठे जैसे कि टमाटर की चटनी, मक्खन और चाय के साथ मैंने लिया है। बहुत ही अच्छा लगता है ये कॉम्बिनेशन। आज बनेगा लंच में पनीर जो कि मैं बनाने वाली हूँ। और ये जो रेसिपी है ये मैं पूरी आप लोगों के साथ मतलब डिटेल में आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं करूँगी। बहुत ही क्यूट सा छोटू सा डब्बा है जिसमें मम्मी ने इस तरह से लहसुन पील करके रखा है। तो मैं कह रही थी रेसिपी की बात, जो रेसिपी है ये मैं इसीलिए आज डिटेल में शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैं ये खुद पहली बार बना रही हूँ। मैं आज बना रही हूँ पनीर दो प्याज़ा। लखनऊ में जो हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट था वहाँ पर हम लोग 80% यही चीज़ ऑर्डर करते थे, लेकिन अब तो ना वो रेस्टोरेंट जाना होगा ना ही शायद कभी लखनऊ जाना होगा। अभी तक तो खैर ऐसा कोई प्लान नहीं है, तो पता नहीं क्यों या तो उस डिश को मिस कर रहे हैं या क्या। तो अब मैं जैसे ही खुद से पहली बार पनीर बनाने वाली हूँ लखनऊ छोड़ने के बाद, तो आज मेरा बहुत मन किया कि मैं पनीर दो प्याज़ा बनाऊँ। और ये प्रशांत के लिए भी एक सरप्राइज़ होगा और मेरी फैमिली के लिए भी, क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाया तो उन्हें खिलाया भी नहीं है मैंने ये अपने हाथों से बनाकर। ये तैयारी हो रही है गाजर का रायता बनाने की। इससे एक स्मोकी फ्लेवर दिया जाएगा रायते में जिसे ऑथेंटिकली मम्मी कहती हैं डुंगहार लगाना, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट, इसकी फ्रेग्रेंस आई कांट एक्सप्लेन दैट इन वर्ड्स। ये डुंगरा भी अच्छा लगे, पेट को फायदा करेगी और इसमें सरसों का, राई का, जीरे का तड़का लगेगा जब ये रायता बनाएगा बढ़िया वाला।
पनीर मेरा बनकर ऑलमोस्ट रेडी है, ग्रेवी मेरी तैयार है। उसके बाद मैंने प्याज के कुछ क्यूब्स लिए थे, थोड़े से पनीर क्यूब्स लिए थे और 2 ग्रीन चिली। इन सबको मैंने थोड़ा सा शैलो फ्राई किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, और कुछ एक फ्लेवर्स भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। और अब मैं सबको ऐड कर दूँगी ग्रेवी में, अच्छे से मिक्स करूँगी और कुछ देर और कुक करूँगी, और बस मेरी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। आज है सेकेंड डे मेरा मेरे घर पे। कल लंच के बाद हम लोग चले गए थे थोड़ा सा बाहर। बहुत सारा कुछ ऐसा होता है जो होम टाउन से लेना होता है हमें, बहुत बड़ा हो ऐसा ज़रूरी नहीं हर बार, कुछ एक चीज़ें जो पता होती हैं हमें यहाँ मिलेंगी और अच्छी मिलेंगी तो वो लेनी होती है। और आज एक विंटर में हम लोग एक बहुत ही अच्छी सी जूस की रेसिपी है, ये सब कुछ मिक्स करके जो बनाते हैं तो वो बनाया। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज है आलू और पनीर के पराठे। टमाटर चटनी बनाई है अपने, मजे मम्मी मजे, मुझे तो तेरे आ रहे हैं, माँ बना रही है बेटी खा रही है, मेरे आई है ना। और क्या, सच है यार, घर पे आने के बाद ना हर मील बहुत ही स्पेशल होती है। लेकिन देखते ही देखते आज आ गया है थर्ड डे, और जो कि मेरा लास्ट डे है। आज रात की हमारी ट्रेन है, तो मम्मी ने हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा बनाया है जो मुझे पसंद है। और मैं ये एक चीज़ ऐसी है, साग मक्का की रोटी जो मुझे नहीं आती है, तो मम्मी को ये मुझे ज़रूर ही खिलाना था। तो आज मम्मी ने कहा आज लंच में ये बनाते हैं, फिर तो रात को चली जाएगी, तो बस ये खाया। और आप भी तो जा रही हो ना, बाय, जल्दी आओगे फरवरी में।